और जहाँ हम रहते हैं ना इस इलाके में डेंगू बहुत ज्यादा फैल रखा है। ये है ग्लोई और इसका मैं बना रही हूँ काढ़ा। पहले इसे अच्छे से कूट दूंगी, ये मैंने धो धा के रख दिया है पहले ही। तो इसे पहले मिक्सर ग्राइंडर में पीस दिया और इसमें इतना सारा पानी डाल दिया है, और ये जब तक इसका हाफ नहीं हो जाएगा ना तब तक मैं इसे पकाने के लिए छोड़ दूंगा। ये ना ये काढ़ा डेंगू का रामबाण इलाज है। और अगर आप हेलो दोस्तों, नमस्कार, आप सभी का स्वागत है अपने चैनल मोहिनी ब्लॉग्स में। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। सो गाइस, हम तो एक हफ्ते से बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे, और बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि हस्बैंड जी की तबीयत ख़राब हो गई थी और गन्नू को भी बुखार आ रहा था बार बार, उसकी भी तबीयत ख़राब हो रखी थी। इस वजह से मैं एक हफ्ते से नहीं कोई ब्लॉग डाल पाई और नहीं कोई शॉर्ट्स वीडियो डाल पाई, क्योंकि मैंने इतना ज़रूरी नहीं समझा वीडियो बनाना। मैंने कहा जब सब ठीक हो जाएंगे उसके बाद मैं अपना कंटिन्यू ब्लॉग डालती रहूँगी। गाइस, मेरे हस्बैंड जी को हो गया था डेंगू, और जहाँ हम रहते हैं ना इस इलाके में डेंगू बहुत ज़्यादा फैल रखा है, तो हर किसी को ज़्यादातर डेंगू की शिकायत हो रही है। तो मेरे हस्बैंड जी को भी हो गया था, और उनकी प्लेट ना एकदम से बहुत ज़्यादा कम हो गई थी, इस वजह से उनको ना बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो गई थी। तो अभी वो ठीक है, और जिस तरीके से काढ़ा वाढ़ा पिला रहे हैं, दवाई दे रहे हैं, तो अभी वो बेटर फील कर रहे हैं, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा एक ही दिन में ना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई थी उन्हें, और बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो गई थी। एक तो थकान, और हमें पहले दिन लगा कि नॉर्मल सा बुखार है, तो जब टेस्ट करवाया तो उसमें डेंगू निकल गया। तो अभी ये ड्यूटी भी नहीं जा रहे हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्लेटें कम हैं इनकी, 150 के करीब होनी चाहिए प्लेटें, तो इनके 75,000 हो गई थी, तो इसलिए बहुत ज़्यादा कमज़ोरी हो गई है इन पे। तो ये घर में ही आराम कर रहे हैं। और ये ब्लॉग मेरा ना बहुत दिन पहले का है, जब नवमी पूरी थी लोगों ने, जिनका फास्ट था नवरात्रि का, तो नवमी के दिन का है ये। ये लेट आ रहा है क्योंकि मैं ब्लॉग नहीं बना पा रही थी, क्योंकि हस्बैंड जी की तबीयत ख़राब थी, गन्नू को भी बुखार आ रहा था बार बार, और घर का सारा काम करना, 3 बच्चों को देखना, इस वजह से मैंने ना ब्लॉग नहीं बना पा रही थी। तो ये ब्लॉग मेरा बहुत लेट आ रहा है, उसके लिए आप लोग समझ ही सकते होंगे कि सुबह से लेकर शाम तक मैं ना बहुत ज़्यादा थक जा रही थी, इसलिए मैं वीडियो नहीं बना पा रही थी और नहीं डाल पा रही थी। तो यहाँ पे मैं आई हूँ नारियल पानी लेने के लिए, और आज मैंने खाना खिचड़ी बनाई है, तो हस्बैंड जी ने सुबह खा लिया था नाश्ते में ही, और अभी मैं उनके लिए नारियल पानी लेने के लिए आई हूँ, क्योंकि मेरे लिए तो खाना मैं बनाऊँगी नहीं, मेरे लिए भैया ने दे दिया था, क्योंकि उन्होंने नवमी पूजी थी, अष्टमी सॉरी, और उन्होंने प्रसाद दे दिया था घर में ही, तो मैं उसी को खाऊँगी। और यहाँ पर नारियल पानी लेने के लिए आई थी, तो मैं जो रात को नारियल पानी लेके गई थी ना, वो मैं यहाँ पे कटवा रही हूँ, क्योंकि वो मलाई वाला था और महंगा था, पर उसमें पानी भी अच्छा आया था और मलाई भी निकली थी, और अभी मैं उनके लिए पानी वाला लेके आई हूँ। तो ये मैं उनको ना अभी तुरंत से दे दूँगी पानी, 1 गिलास वो पी लेंगे, और गन्नू को भी पिला दूँगी, क्योंकि सेम चीज़ गन्नू को भी दे रही हूँ। उन पहले इनका बुखार ना बिल्कुल भी नहीं उतर रहा था, 105, 104, 105 आ रहा था, बिल्कुल भी कम नहीं हो रहा था, और गन्नू का 102, 101 हो रहा था। तो सेम चीज़ मैं ना जो अपने हस्बैंड जी को खिला रही थी, वही चीज़ मैं गन्नू को भी खिला रही थी, और काढ़ा वाढ़ा बना के तब जाके इन लोगों को आराम आया है, और अभी बेटर फील कर रहे थे और बुखार भी नहीं था। तो अभी मैं आधा घंटे के बाद यहाँ पर केवी काटने के लिए आई हूँ, और उनको दे दूँगी साथ के साथ खाने के लिए, क्योंकि आजकल ये खाना कम खा रहे हैं, तो ज़्यादा मैं इनको ऐसी चीज़ ही दे रही हूँ जिससे इनकी प्लेटें बढ़ें जल्दी जल्दी से, क्योंकि बहुत ज़्यादा कम है। तो और मैं सेम चीज़ गन्नू को भी दे रही हूँ, और यहाँ पे और बच्चे भी मांगते हैं, यहाँ पे लड्डू तो अंशु तो खाने में नखरे करते हैं, पर लड्डू खा लेते हैं, मैं उसको भी दे देती हूँ केवी खाने के लिए। गाइस, ये है ग्लोई और इसका मैं बना रही हूँ काढ़ा। पहले इसे अच्छे से कूट दूँगी, ये मैंने धो धा के रख दिया है पहले ही, तो इसे पहले कूट दूंगी अच्छे से, उसके बाद इसे पानी में उबालूंगी। अभी दिखाती हूँ मैं। गाइस, मैंने ऐसे छोटे छोटे टुकड़े कर दिए इनके काट के, और अब मैं इसे अच्छे से इसे थीस दूंगी, मतलब ऐसे कूट दूंगी। अगर आपके सिलवट्टा है तो सिलवट्टे में कर लो,
हमारे पास सिलवट्टा है पर मैं सिलवट्टे में नहीं कर रही हूँ, इसी से कर लूँगी। और आपके पास मिक्सी है तो आप मिक्सी में भी कर सकते हो। तो मैंने इसके छोटे छोटे टुकड़े कर दिए ना, तो मैं इसको इसी से ऐसे ऐसे कूट दूँगी अच्छे से और फिर इसमें डाल दूँगी और गर्म कर दूँगी। आधा मैंने ऐसे रख दिया है मिक्सर ग्राइंडर में और इसे इसमें ही घुमा दूंगी एक बार और फिर डालूंगी। गाइस मैंने इतना मिक्सर ग्राइंडर में पीस दिया और इसमें इतना सारा पानी डाल दिया है और ये जब तक इसका हाफ नहीं हो जाएगा ना तब तक मैं इसे पकाने के लिए छोड़ दूँ। इस तरीके अभी अपने आप पकता रहेगा और जब तक ये पानी ना मैंने इसे इतना कर दिया है जब तक इसका आधा नहीं हो जाएगा ना। गाइस ये मैंने धीमी आंच में पकने के लिए छोड़ दिया है और ये अपने आप पकता रहेगा जब तक हाफ नहीं हो जाता, तो इसे मैं कंटिन्यू पकने के लिए छोड़ दूंगी। और यहाँ पे मैंने जब तक ये पक रहा है तो मैंने यहाँ पे मलाई काट के दे रही हूँ अपने हस्बैंड जी को, क्योंकि ये ना ज़्यादा खाते नहीं हैं, थोड़ा सा खाते हैं उसी में बोलते हैं कि मेरा पेट भर गया, तो मैं इन्हें ज़बरदस्ती थोड़ा थोड़ा हर आधे घंटे के बाद देती हूँ कुछ ना कुछ खाने के लिए। और उसके बाद ये पक गया था और मैं इसे कर दूँगी बंद, ठंडा होने के लिए छोड़ दूँगी और जब ये ठंडा हो जाएगा उसके बाद इनको दे दूंगी पीने के लिए। तो कुछ घंटे बाद मैं इनको, मतलब एक घंटे बाद ठंडा हो गया था क्योंकि बहुत देर तक ठंडा ही नहीं हो रहा था, तो मैंने इनको दे दिया यहाँ पे काढ़ा। सो गाइस ये ना ये काढ़ा डेंगू का रामबाण इलाज है और अगर आपके आसपास किसी को भी हो रखा है तो बताइए, क्योंकि मुझे पहले पता नहीं था और हर किसी को पता नहीं रहता है, तो मेरे को भी जब इनको डेंगू हुआ है उसके बाद ही पता चला है। करके एक ग्लोई भी होता है और उसका काढ़ा बनता है, उसको पीने के बाद आराम आता है। और मैंने रामदेव बाबा का वीडियो देखा था उसके बाद ही मैंने ये काढ़ा बनाया और मैंने भी खुद पी के देखा था जिस दिन मैंने फर्स्ट टाइम बनाया था, तो मैंने भी पिया था आधा ग्लास। और नॉर्मल इंसान ना इसको ऐसे पी ही नहीं सकता क्योंकि वो तो उल्टी ही कर देगा क्योंकि बहुत ज़्यादा कड़वा होता है, तो मैंने शहद मिला के पिया था। इनको तो मैं ऐसे ही दे रही थी क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गर्म भी होता है हमारे शरीर के लिए और फ़ायदा भी करता है, और मैं बच्चों को भी पिला रही थी क्योंकि बच्चों के लिए, अगर तुम्हारे बच्चों को खांसी जुकाम है उनके लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है। तो गन्नों का जुकाम ना इसी से सही हो गया था। और ये पपीते का रस है गाइस, ये मैंने सुबह बनाया था अपने हस्बैंड जी के लिए और अभी भी बनाया था। मैं इसे सुबह सुबह देती हूँ खाली पेट, क्योंकि डेंगू का ना रामबाण इलाज ये भी है, खाली पेट दो तो इससे भी आराम आता है। तो ये शाम के टाइम में इनको दे रही हूँ, इसमें पानी मिला दूँगी और इनको दे दूँगी पीने के लिए। और ये भी ना बहुत ज़्यादा कड़वा होता है और यही सारी चीज़ें मैं सेम गन्नू को भी पिला रही थी एक दो चम्मच और उसे भी आराम आ गया था। इसमें पानी डाल दूँगी ऐसे और ये इनको दे दूँगी पीने के लिए। ये ना और भी ज़्यादा कड़वा होता है उससे, ग्लोई के काढ़े से, क्योंकि इसके पपीते का रस है ना, मैंने इसे देखा था पी के ये तो बहुत ज़्यादा कड़वा हो रहा था, वो भी एक दो चम्मच ही रहता है रस और बहुत ज़्यादा कड़वा होता है।